हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपकी सक्सेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ हमने एक मैथ्स का चार्ट रेडी किया है जहाँ हमने बहुत सारे टॉपिक्स को उठाया है। फर्स्ट में रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम्स ऑफ फेज, एवरेज, इसी तरह बहुत सारे चैप्टर्स को यहाँ हमने उठाया और सारे चैप्टर्स का डिस्कशन हम करेंगे। और डिस्कशन ऐसे नहीं करना है, एग्ज़ाम को माइंड में रख के करना है ताकि हम एग्ज़ाम्स में कम समय को लेते हुए सारे क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके। और ये तभी पॉसिबल है जब हम किसी क्वेश्चंस को बाय ट्रिक सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपके टाइम्स को कम करके आपके प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप सारे क्वेश्चंस को, सारे वीडियोस को अच्छे से देखिएगा। हमने फर्स्ट में स्टार्ट किया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चलिए हम देखते हैं। कल के वीडियो में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन को पढ़ा था जहाँ हमने टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 और टाइप 4 का डिस्कशन किया था। हमने वहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी देखे थे। अगर आपने हमारे फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें बहुत सारे रेशियो के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बताया गया है और उसके आगे के, ताकि आपके आपको उसके आगे के वीडियोस समझ में आ सके, क्वेश्चन समझ में आ सके। चलिए आज का हम देखते हैं, आज हम कितने टाइप्स को पढ़ेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आज हम टाइप 5 पढ़ेंगे, टाइप 6 और टाइप 7 को पढ़ेंगे। टाइप 5 में बैलेंसिंग ऑफ रेशियो, टाइप 6 रुपीस पैसा और कॉइन्स, टाइप 7 है मिल्क एंड वाटर। तो चलिए हम अपने वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइप 5 से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए इज टू बी इक्वल टू 3:4, बी इज टू सी इक्वल टू 6:5 हो तो ए इज टू बी इज टू सी का मान क्या होगा। पहले जो क्वेश्चंस में लिखा है पहले हम उसको लिख लेते हैं। ए इज टू बी, ए इज टू बी क्या दिया है, 3:4। बी इज टू सी इक्वल टू 6:5। फाइंड क्या करना है हम लोगों को, ए इज टू बी इज टू सी इक्वल टू व्हाट। तो हम लोग को यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए इज टू बी तो दिया है और फिर बी इज टू सी दिया है, लेकिन हम लोग को निकालना है, फाइंड करना है ए इज टू बी इज टू सी। तो आज सीखेंगे हम लोग कि इसको कैसे फाइंड करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक चीज ध्यान रखना होगा। अगर फर्स्ट स्टेप ये है, ए इज टू बी, इसका वैल्यू जितना लिखा है उसको लिख देंगे 3:4। यहाँ पे हम जिस नंबर से एंडिंग कर रहे हैं या जिस लेटर से या जिस नाम से एंडिंग कर रहे हैं, सेकेंड स्टेप में हम लोग को उसी से स्टार्ट करना होगा। तो बी से जब हमने एंड किया है तो बी से ही स्टार्ट करेंगे, यानी बी इज टू सी। इसका रेशियो कितना दिया है, 6:5। कभी कभी फ्रेंड्स क्वेश्चन में यहाँ पे सी इज टू बी भी हो सकता है, तो हम लोग को वो ध्यान रखना होगा कि हमने यहाँ जिससे एंड किया है स्टार्टिंग हम लोग को उसी से करना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग वही किए, ए इज टू बी, बी से एंड किया है हमने तो उसके बाद बी से ही स्टार्ट किया है। अब देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। नीचे से स्टार्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करना है। ए इज टू बी इज टू सी इक्वल टू 6 × 3, यानी सबसे पहला स्टेप 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 × 4, सेकंड में 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इज टू, और थर्ड में 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 × 4, तो क्या हो जाएगा, 6 × 3 = 18। फिर से देख लीजिए इसको। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नीचे वाले यानी बी का जो रेशियो है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 6 × 3, ऊपर में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसी 6 से नेक्स्ट में 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सारा मल्टीप्लाई करने के बाद हमने यहाँ लिख दिया है
18, 6 4 24 and 5 4 20, यानी ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो क्या आया, 18:24:20। फ्रेंड्स अगर आपको किसी तरह की परेशानी हो रही हो क्वेश्चंस को समझने में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसे सॉल्व कर सकें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन से इसे और क्लियर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए इज टू बी इक्वल टू 2:3 है तथा बी इज टू सी इक्वल टू 4:7 है तो ए इज टू बी इज टू सी क्या होगा। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ए इज टू बी लिखेंगे और ए इज टू बी का जो रेशियो लिखा है उसको लिखेंगे यानी 2:3। उसके बाद हमने सीखा था जिससे हमने इंड किया है यानी बी से इंड कर रहे हैं तो स्टार्टिंग हमें बी से करनी होगी। यहाँ क्वेश्चंस में भी लिखा है 2:C हो जाएगा यानी बी इज टू सी इक्वल टू इसका रेशियो कितना दिया है 4:7। अब देखिए ए इज टू बी इज टू सी इक्वल टू 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी जस्ट उसके ऊपर 4:2:2। उसके बाद 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4:3:2 और लास्ट स्टेप क्या होगा 7:3:3। अब जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 7 3 जा 21। यानी ए इज टू बी का रेशियो क्या आता है, ए इज टू बी का रेशियो आता है 8:12:21। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चंस यहाँ देखने के बाद आप किसी भी बुक से इसको बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आप और अच्छे से क्लियर हो सके कि आपने कितना समझा और कितना नहीं समझा। नहीं समझ में आता है दोबारा वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ए इज टू बी, सबको पहले को लिख लेते हैं यहाँ, ए इज टू बी इक्वल टू 1:2। अब यहाँ देखिए क्वेश्चंस में क्या लिखा है, सी इज टू बी, लेकिन हमने पढ़ा है कि जिस नंबर से या जिस लेटर से इंड करते हैं स्टार्टिंग नेक्स्ट में हम लोग को उसी लेटर से करना है, तो बी से हमने इंड किया है तो स्टार्टिंग भी हमें यहाँ 2:C करनी होगी। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, उसको रिवर्स करेंगे। रिवर्स करेंगे यानी बी को आगे लिखेंगे और सी को उसके बाद लिखेंगे। जब हमने यहाँ रिवर्स किया है तो हमें रेशियो में भी रिवर्स करना होगा, तो क्या हो जाएगा इसका रेशियो 3:4। नेक्स्ट यहाँ लिखा है 2:D, लेकिन हमने यहाँ इंड किया है सी से तो हम स्टार्ट भी किससे करेंगे, सी से, यानी क्या हो जाएगा 2:D इक्वल टू, जब यहाँ रिवर्स किया है हमने तो यहाँ भी हमें रिवर्स करना होगा यानी कि 5:6। अब इसको हम लोग देख लिए स्टेप बाय स्टेप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5:3:1। सेकेंड में किसके साथ करेंगे, 5:3:2। थर्ड में किसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, 5:4:2 एंड लास्ट फोर स्टेप में किसके साथ मल्टीप्लाई, 6:4:2। फ्रेंड्स नीचे से स्टार्ट कीजिएगा मल्टीप्लाई तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा, यानी यहाँ से चलेंगे तो ज्यादा इजी होगा। चलिए अब इसको यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, यानी ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इक्वल टू क्या होगा, 5:3:1 इज टू 5:3:2 इज टू 5:4:2 6:4:2। अब इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15:30:40:48 यानी 6 4 जा और 2 6 4 जा 10। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया हमारा रेशियो निकल गया किसका किसका, ए इज टू बी इज टू सी का, यानी 15:30:40:55
48। अब देखिए इसको और काट कर और इसको छोटा भी कर सकते हैं, यानी जब हम इसको, नहीं अब ये तो नहीं कर सकता है, 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते थे लेकिन 15 तो नहीं आएगा, 3 के टेबल से कर सकते हैं लेकिन यहाँ क्या होगा, 40 नहीं आएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए इज टू बी इक्वल टू 3:4, बी इज टू सी इक्वल टू 8:9 एंड, तो उसका क्या बताना है, ए इज टू सी बताना है। चलिए ए इज टू बी इक्वल टू 3:4, बी इज टू सी क्या दिया है, 8:9। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने देखा क्या निकालना होता था, पूरा निकालना होता था, तीनों ए इज टू बी इज टू सी निकालना होता था, लेकिन इस क्वेश्चंस में हमें क्या निकालना है, केवल ए इज टू सी ही निकालना है। तो ए इज टू सी हम लोग वो वाले प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं, एक एक करके मल्टीप्लाई करके, लेकिन हम लोग को शॉर्ट मेथड पढ़ना है तो हम लोग शॉर्ट से ही चलते हैं। इसको निकालने का, देखिए इसको निकालने का तरीका है क्या, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 8 × 3:9 × 4 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 24, 36, यानी a:c=24:36। अब देखिए इसको और सॉर्ट भी कर सकते हैं, 2:3 यानी 12 के टेबल से। तो ये एक बहुत शॉर्ट मेथड है इसको निकालने का, पहले वाले फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं एक एक करके मल्टीप्लाई करके, लेकिन ये वाला फॉर्मूला क्या है, टाइम टेकन है, इससे आपका टाइम थोड़ा सा सेव होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जितने भी सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ यूज किए हैं, सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए हैं और ये क्वेश्चंस भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे सबको सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या लिखा है, यदि ए इज टू बी इज टू सी इक्वल टू 4:7:11 है तथा बी इज टू सी इज टू डी इक्वल टू 21:33:24 हो है, तो ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी क्या होगा। इसे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने देखा था बस दो दो दिया होता था, लेकिन यहाँ क्या है, तीन तीन है। अब चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ए इज टू बी इज टू सी इक्वल टू 4:7:11। नेक्स्ट क्या लिखा है, बी इज टू सी इज टू डी इक्वल टू 21:33:44। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट रेशियो में और सेकंड रेशियो में कुछ कॉमन दिख रहा होगा, ये कॉमन क्या दिख रहा है, बीस टू सी एंड बीस टू सी, बीस टू सी। अब रेशियो में देखिए, यहाँ 4:7 सॉरी 7:11 है और यहाँ क्या है, 21:33। अब यहाँ भी आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा इन रेशियो में, देखिए 3 7 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 आता है, और 11 को भी जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 33 आता है, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है। तो हम लोग को क्या पता चलता है, यानी कि इस वाले रेशियो में सबको 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इस वाले रेशियो में भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, क्योंकि हम लोग को इक्वल करना है जो कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन क्या है, 20 to c, तो 20 to c यहाँ भी है, यहाँ 21 है, 33 है, तो जब हम इन लोग को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ए इज टू बी इज टू सी इक्वल टू 4:7:11 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, 12:21:33। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये भी इक्वल हो गया और ये भी इक्वल हो गया, तो इसका रेशियो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इक्वल टू 12:21:33:44। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की जरूरत है, थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइप 6 से, जहां हमने देखा था रुपीस, पैसा और कॉइन्स।
चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चंस अब एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, समझिए ना के बराबर पूछे जाते हैं, इसलिए हमने बस इसे एक ही क्वेश्चंस रखा है ताकि हम सीख सके इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दिया है? 5:6:8। यदि उस थैली में कुल 210 रुपए हैं तो बताइए 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। चलिए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या क्या लिखा है वो पहले लिख लेते हैं। 1 रुपया दिया है, 1 रुपया दिया है, इसको रेशियो में बताना है यानी। उसके बाद क्या लिखा है, 50 पैसे लिखा है, उसके बाद 25 पैसे लिखा है। अब इन सबका रेशियो कितना कितना दिया है, 5:6:8। रेशियो के पहले देखिए यहाँ एक वर्ड यहाँ जुटा है, संख्या। संख्या मीन्स क्या होता है, नंबर। यानी ये रेशियो जो दिया हुआ है ये इन सब का यानी 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे का नंबर दिया हुआ है, यानी ये कितने नंबर है, कितने कॉइन्स है कह सकते हैं। अब देखिए इसको अमाउंट में यानी रुपीज में कैसे चेंज करेंगे। जब 1 रुपया का सिक्का मेरे पास 5 होगा तो वो कितना हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा। 50 पैसा 6 है तो कितना रुपया हो जाएगा, 3 रुपया हो जाएगा। और 25 पैसा मेरे पास 8 सिक्का है यानी संख्या है उसका, तो कितना हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चंस में कुछ और भी लिखा है, रेशियो के बाद का लाइन पढ़ते हैं हम लोग। यदि उस थैली में कुल 210 रुपए हैं, कितने रुपए हैं, 210 रुपए हैं। तो इसे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था यानी बेसिक वाले में हमने देखा था, जो सर्टेन अमाउंट होता है उसके नीचे हम लोग सर्टेन रेशियो भी लिखते हैं। फ्रेंड्स अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है रेशियो का तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उसे देख सकते हैं ताकि आपका और क्लियर हो सके। तो सर्टेन अमाउंट यहाँ कितना लिखा है, 210 रुपया टोटल, यानी रुपया कितना है, 210 रुपया। और रेशियो में हम लोग के पास कितना टोटल रुपया आया है, 5:3:2 यानी 10 रुपीज। उसके बाद देखिए क्वेश्चंस में क्या फाइंड करने कहा जा रहा है, बताएं कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। 50 पैसा ये है, सिक्कों की संख्या कितनी है, 6 है। तो जो निकालना होता है यानी जो फाइंड करना होता है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 126। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 126। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन से एग्जाम में बहुत कम क्या क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए ये ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसमें। चलिए हम अपने नेक्स्ट टाइप पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का टाइप 7। टाइप 7 से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत अलग अलग तरीके से, तो इसे ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 8:7 है। यदि इस मिश्रण में 11 लीटर पानी और मिलाया जाए तो दूध और पानी का अनुपात बदलकर 8:9 हो जाता है, तो बताएं मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी। फ्रेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बस एक चीज याद रखिएगा कि अगर किसी भी चीज को मिलाया जा रहा है, अगर दो चीज है मान लीजिए, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है दूध और पानी का, तो मिल्क हो गया और वाटर हो गया। जब हम पानी को मिलाते हैं, जब हम पानी को मिलाते हैं तो पानी घटेगा या बढ़ेगा, या निकाल लेंगे तो घट जाएगा, लेकिन मिल्क का तो रेशियो या अमाउंट या वेट तो उतना ही होगा। तो बस हम लोग को ध्यान ये रखना है कि क्या मिलाया जा रहा है और हम लोग को किसको बराबर रखना है, जो कि क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या क्या दिया है, मिल्क और वाटर, इसका रेशियो देख लीजिए क्या दिया है। इसका रेशियो दिया हुआ है 8:7, 8:7। अब उसके बाद क्वेश्चंस में क्या लिखा है, यदि इस मिश्रण में 11 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात बदलकर 8:9 हो जाता है, यानी इसमें पानी मिलाया गया है यानी वाटर को मिलाया गया है। इसको ओल्ड रेशियो कह सकते हैं, इसको न्यू रेशियो भी कह सकते हैं, क्योंकि जब पानी मिलाते हैं तो नया रेशियो इतना बन जाता है।
उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बताएं मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, दूध की मात्रा कितनी है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कितना पानी मिलाया जा रहा है, 11 लीटर पानी और मिलाया जा रहा है। और क्वेश्चंस में देखिए ओल्ड वाला रेशियो कितना है, 8:7 है, और न्यू रेशियो 8:9 है। तो यहाँ पे हमने कहा था कि जो नहीं मिलाया जा रहा है उसको हमेशा इक्वल रखना है। अब यहाँ देखिए 8:8 इक्वल है। अब इस वाटर में देखते हैं, पहले 7 था, अब क्या हो गया है, 9 हो गया है, यानी कि ये बढ़ रहा है। क्वेश्चंस में भी हमने देखा 11 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, रेशियो में भी हम देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो चलिए अब देखते हैं 11 लीटर पानी मिलाया जा रहा है और रेशियो में कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। तो इसके नीचे जस्ट 2 लिख देंगे और पूछ क्या रहा है, मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी। तो दूध की मात्रा कितनी है, इसका रेशियो दूध का कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई 8। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाता है, 44। यानी कि मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, दूध की मात्रा है 44 लीटर। फ्रेंड्स कोई भी क्वेश्चन हमें पता है एक बार से समझ में नहीं आता है, कोशिश कीजिए उसको 2 बार 3 बार बनाने का या देखने का, ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन से शायद और अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 40 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो दिया है कितना, 3:1। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध और पानी का नया अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या है, मिल्क एंड वाटर है, रेशियो क्या दिया है, रेशियो दिया है 3:1 दिया है। इसको ओल्ड रेशियो कह सकते हैं क्योंकि कुछ मिलाने के बाद हमारा नया रेशियो 2:1 आ जाता है। तो न्यू रेशियो में हम लोग लिख देते हैं 2:1। अब यहाँ देखिए क्या मिलाया जा रहा है, ध्यान रखना है ये कि मिलाया क्या जा रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चंस में लिखा है पानी और मिलाया जाता है। जब पानी मिलाया जा रहा है तो हम लोग को मिल्क को इक्वल रखना है, यानी मिल्क बराबर रहना चाहिए क्योंकि इसमें तो कुछ मिक्स नहीं किया जा रहा है। अब यहाँ देखिए ना ही पानी इक्वल है, पानी तो इक्वल है लेकिन मिल्क यानी दूध बराबर नहीं है। तो इसको बराबर कैसे करेंगे, हम लोग रेशियो को जस्ट अपोजिट करके मल्टीप्लाई करेंगे, यानी न्यू वाला रेशियो जो मिल्क जिसको इक्वल करना है बस उसी का रेशियो ध्यान रखना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है। न्यू वाला रेशियो से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ओल्ड में, और ओल्ड वाले से न्यू वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, और जिसको इक्वल करना है यानी जिसको बराबर करना है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देख रहे हैं आप लोग मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, न्यू वाले रेशियो से ओल्ड वाले रेशियो से मैंने मल्टीप्लाई किया है, और ओल्ड वाले रेशियो से मैंने न्यू वाले रेशियो मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या आता है, 6:2, 6 और नीचे वाले में 6:3। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, दूध बराबर हो जा रहा है, यानी यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, और पानी वाले में देखते हैं यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, यानी दोनों फुलफिल हो रहा है, ये भी बराबर हो गया और पानी जो मिलाया जा रहा था यहाँ भी हमें पता चल गया रेशियो में कितना बढ़ रहा है। अब क्वेश्चंस में देखिए क्या कह रहा है, 40 लीटर के मिश्रण में पानी का नया, 40 लीटर के मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात इतना है, मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, यानी यहाँ पूछ रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए। चलिए क्वेश्चंस में जो जो सर्टेन अमाउंट है उस सर्टेन अमाउंट को लिख लेते हैं। सर्टेन अमाउंट क्या है, 40 लीटर, यानी 40 लीटर किस चीज के बारे में कहा जा रहा है, 40 लीटर कहा जा रहा है कि यानी टोटल मिश्रण है दूध और पानी का। तो दूध और पानी का टोटल मिश्रण क्या है रेशियो में, 6:2 यानी 8 हो जाएगा। और क्या पूछ रहा है, कितना पानी मिलाया जा रहा है, हम यहाँ देख रहे हैं कि पहले 2 था लेकिन कुछ मिलाने के बाद, यानी पानी का कुछ अमाउंट मिलाने के बाद कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। तो रेशियो में कितना प्लस हो रहा है, रेशियो में 1 प्लस हो रहा है, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। अब देखिए जब इसको कैलकुलेट हम लोग करते हैं तो क्या आता है, 5, यानी कि 5 लीटर पानी को मिलाया जा रहा है। तो रेशियो हमारा क्या बनता था, 2:1। फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी हो रही हो, क्वेश्चंस में नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसे सॉल्व करेंगे। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, यदि इस घोल में
1 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो बने घोल में चीनी का प्रतिशत कितना होगा, यानी परसेंटेज ऑफ शुगर हम लोग को फाइंड करना है। ये एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है क्योंकि इसे प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में हमने रेशियो में देखा था और यहाँ किस चीज में, यहाँ परसेंटेज में है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, हर एक टाइप के कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसे आप ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए ताकि एग्जाम में किसी तरह की परेशानी ना हो। चलिए हम अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें भी वही चीज ध्यान रखना है, जो मिलाया जा रहा है उसको छोड़कर जो बचा हुआ चीज है उसको क्या करना है, इक्वल करना है। बस थोड़ा सा प्रोसेस अलग हो जाएगा जो हम यहाँ सीख लेंगे। 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, यदि इस घोल में 1 लीटर पानी और मिलाया जाए। यहाँ पानी मिलाया जा रहा है तो पानी मिलाया जा रहा है तो किसको इक्वल करेंगे, घोल किस चीज का है, पानी का और चीनी का। पानी को मिलाया जा रहा तो किसको इक्वल करेंगे, शुगर को, यानी चीनी को इक्वल करेंगे। चलिए चीनी को इक्वल करते हैं, चीनी 3 लीटर का घोल है, 3 लीटर लिख दिए, उसके बाद क्या है, 40% चीनी है, मल्टीप्लाई क्या कर दिए, 40% कर दिए, उसके बाद इक्वल करना है, इक्वल का साइन दे दिए, उसके बाद क्या करा, नेक्स्ट लाइन पढ़िए, यदि इस घोल में 1 लीटर पानी और मिलाया जाए। यहाँ पे हम जो तीन हमने लिखा है इसमें पानी और चीनी दोनों है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 3+1 होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1 लीटर पानी मिला दिया गया है, तो 1 लीटर पानी जब यहाँ मिला दिया गया तो हम यहाँ क्यों नहीं मिलाएंगे, यहाँ भी तो मिलाना होगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या बोल रहा है, दिया गया है तो बताइए बने घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। तो चीनी का प्रतिशत नहीं पता है तो क्या कर लेंगे, एक्स मान सकते हैं, यानी x% चीनी का नया होगा। अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं, कट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 × 40% इक्वल टू 4 × x%। परसेंट टू परसेंट कट होगा, उसके बाद 4 10 टाइम्स होगा, यानी कि 30 इक्वल टू x, यानी कि चीनी का प्रतिशत कितना है, चीनी है 30%, नए घोल में चीनी का प्रतिशत कितना है, 30%। फ्रेंड्स मैं बार बार कह रही हूँ, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से इसको पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से इसको और अच्छे तरीके से सॉल्व करते, समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल में घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाता है तो बताए शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना होगा। क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि क्वेश्चंस में हर एक आंसर छिपा रहता है, क्वेश्चन से ही हम लोग को सॉल्यूशन निकालना रहता है, इसलिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा कीजिए। देखिए हमने क्वेश्चंस में क्या पढ़ा, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबाल कर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाता है। वाष्पित कर दिया जाता है मतलब वो उड़ जाता है, जैसे भी हम लोग पानी को उबालते हैं तो वो क्या होता है, ऑब्वियसली घट जाता है, तो वही चीज है यहाँ कहा जा रहा है कि पानी क्या हो जा रहा है, वाष्पित हो जा रहा है। एक घोल है, ठीक है, किस किस चीज का घोल है, पानी का और लवण का घोल है, पानी प्लस लवण, तो पानी और लवण का घोल है। पानी को जब उबालते हैं वो तो क्या हो जाता है, वाष्पित हो जा रहा है, यानी ये कम हो जा रहा है, तो कम हो जा रहा है तो लवण तो हमेशा उतना ही होना चाहिए, लवण उतना ही रहेगा, तो यहाँ किस चीज को इक्वल करेंगे हम लोग, लवण को इक्वल करेंगे। चलिए लवण को इक्वल कर लेते हैं, 7% 12 लीटर है, 12 लिख लिए, मल्टीप्लाई लवण कितना दिया है, 7% लवण है तो 7% लवण लिख दिए हैं, यहाँ फिर बराबर का साइन है तो बराबर दे देंगे। नेक्स्ट क्या लिख रहा है, घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया गया, तो 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई सेस कितने बचे, तो यहाँ भी एक्स परसेंट कर लेंगे। फ्रेंड्स आप ये सोच रहे हो कि हमने यहाँ 8 कैसे लिखा, 12 क्या था, 12 लीटर का घोल था, जब उसको उबाला जाता है तो क्या हो जाता है, 4 लीटर वाष्पित हो जाता है, तो 4 लीटर वाष्पित हो गया यानी खत्म हो गया, तो क्या बचा है, 8 लीटर ही बचा, वही वाला 8 हमने यहाँ यूज किया है। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज टू परसेंटेज कट हो जाएगा, अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा, यानी 20
इक्वल टू टू एक्स, यानी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 21/2 यानी 10.5%। यानी कि नए वाले घोल में लवण का परसेंट कितना होगा, 10.5%। फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, 50 kg सीसा एवं टीन के मिश्रण में, एक मिश्रण है वो किस चीज का है, सीसा और टीन का मिश्रण है, 60% क्या है सीसा है, इस मिश्रण में कितना सीसा मिलाने पर, कितना सीसा सीसा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% सीसा हो जाएगा। यहाँ क्या मिलाया जा रहा है, सीसा मिलाया जा रहा है, तो जब सीसा मिलाया जा रहा है तो टीन क्या होगा, टीन हमेशा इक्वल होगा यानी बराबर होगा, जितना पहले था वो उतना अभी भी होना चाहिए। तो चलिए टीन को हम लोग इक्वल कर लेते हैं, कितने केजी का है, 50 kg का है, मल्टीप्लाई टीन कितना है, इसमें देखिए यहाँ क्या लिखा है, 60% सीसा है। किसी भी चीज में 100% कोई भी चीज होता है या किसी भी चीज का मिश्रण हो या वो सिंगल हो तो वो 100% होता है। यहाँ सीसा जब 60% है तो 40% क्या होगा, 40% टीन होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 40%, क्योंकि हम लोग टीन को इक्वल कर रहे हैं तो हर एक वैल्यू किसका होना चाहिए, टीन का ही होना चाहिए। इक्वल टू, अब टीन में देखिए क्या लिखे, इस मिश्रण में कितना सीसा मिलाने पर, तो 50 पहले से था, इसमें किसी कुछ मिलाया जा रहा है पता नहीं है तो उसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, यानी प्लस एक्स मल्टीप्लाई, अब यहाँ देखिए 75% सीसा है, यहाँ भी सीसा लिखा हुआ है लेकिन हम लोग इक्वल किसको कर रहे हैं, टीन को कर रहे हैं, तो जब 75% सीसा है तो 25% क्या होगा, टीन होगा, तो यहाँ क्या करेंगे 25%। अब जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो परसेंट से कट हो जाएगा, अब 25 50 यानी 80 इक्वल टू 50 प्लस एक्स, इसलिए एक्स इक्वल टू 30, यानी कि मिश्रण में कितना सीसा हो जाएगा, यानी सीसा कितना मिलाया गया है, सीसा मिलाया गया है 30 kg। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया हो और सारे क्वेश्चंस आपने अच्छे तरीके से समझे। एक बार, वैसे भी एक बार किसी भी चीज को समझने में टाइम लगता है, कोशिश कीजिए वीडियो को दोबारा देखें और अच्छे से कोशिश कर समझने का, और उसके बाद बुक्स से जरूर क्वेश्चंस को सॉल्व करें ताकि क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, रेशियो के कुछ और नए ट्रिक्स और टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू।